नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है फैलकॉन ट्यूब और ये सीबी नॉट टेस्ट के लिए मेनली यूज़ होती है, जो कि टीबी के डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट है। सीबी नॉट टेस्ट से रिलेटेड वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फैलकॉन ट्यूब जो है वो उसका आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या है। फैलकॉन ट्यूब कुछ इस तरह की होती है और ये ट्यूब नीचे से कॉन शेप होती है। फैलकॉन ट्यूब इज़ यूज्ड फॉर सीबी नॉट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। फैलकॉन कॉनिकल ट्यूब, क्योंकि ये नीचे से कॉन शेप होती है इसलिए कॉनिकल ट्यूब भी कहलाती है, आर इजी टू यूज़ हाई क्वालिटी टूल्स टू प्रोटेक्ट सैंपल। ये सैंपल जो इसमें हम लेते हैं उसको ये प्रोटेक्ट रखती है, इसकी ये विशेषता होती है। प्रोटेक्ट वैल्यूएबल सैंपल ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज इन द फ्रीज़र। तो जब सेंट्रीफ्यूज होता है सैंपल तो उस वक्त भी ये इसको प्रोटेक्ट रखती है और फ्रीज़र में काफ़ी लॉन्ग टर्म तक इसमें जो सैंपल है वो प्रिजर्व रहता है, स्टोरेज में वो प्रोटेक्टेड रहता है। ये इनकी जो साइज़ होती है फैलकॉन ट्यूब की, 15 ml टू 225 ml तक होती हैं और ये पॉली प्रोपेलिन की ट्यूब्स होती हैं। पॉली प्रोपेलिन साइज़ होती है इनकी 15 ml टू 225 ml। फैलकॉन ट्यूब इज सूटेबल फॉर मोलिकुलर बायोलॉजी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग कंसनट्रेटिंग बैक्टीरिया फॉर डीएनए आइसोलेशन। जैसे कि हम ट्यूबरक्लोसिस में करते हैं डीएनए आइसोलेशन, तो उसके लिए सूटेबल होती हैं। प्योरिफिकेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, इसमें ये हेल्पफुल होती हैं। और इनका जो एम्बियंट टेम्परेचर से, और ये -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये अपने सैंपल को प्रोटेक्टेड रखती हैं। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन और प्रेसिपिटेट्स, तो इन सब में ये हेल्पफुल होती हैं। डीएनए आइसोलेशन, न्यूक्लिक एसिड का प्रेसिपिटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और प्रेसिपिटेट्स, और -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जो सैंपल है उसको प्रोटेक्टेड रखती हैं। तो क्वेश्चंस कई बार यही पूछा जाता है कि जो फैलकॉन ट्यूब है वो किस टेस्ट में यूज होती है, तो सीबी नॉट टेस्ट में। और सीबी नॉट टेस्ट में सैंपल प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सी ट्यूब यूज़ करते हैं, तो वो फैलकॉन ट्यूब है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।